हेलो एवरीवन, जैसे कि आप जानते हो अभी आर ए के में एमएससी नर्सिंग का एंट्रेंस का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, 2023 का। ये अपन ये पेपर के कुछ क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। देखो, जैसे कि आपके सामने पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा था कि टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स यूज इन रिसर्च, कि रिसर्च अगर जब भी कोई भी पर्सन करता है तो उसमें कौन से तरीके की स्टैटिस्टिक्स जो है वो यूज़ में ली जाती है, ठीक है। वेदर कोइन दैट इज अपन बोल सकते हैं कोइंसिडेंशियल स्टैटिस्टिक्स यूज़ में लेते हैं, या फिर इन्फेरेंशियल, या फिर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यूज में लेते हैं, या फिर सर्वे मेथड ऑफ स्टैटिस्टिक्स यूज में लेते हैं, या फिर एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है वो यूज में लेंगे। तो डियर एस्पिरेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि रिसर्च के अंदर जो स्टैटिस्टिक्स मोस्टली यूज में ली जाती है वो दो ही तरीके की ली जाती है, या तो इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स यूज में लेंगे, या फिर डिस्क्रिप्टिव जो स्टैटिस्टिक्स है वो यूज में लेंगे, ठीक है। सो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आर ए के एमएससी एंट्रेंस के अंदर कि द नंबर असाइंड इन नॉमिनल मेजरमेंट हैव, जो मतलब जो नॉमिनल मेजरमेंट यूज में लिया जाता है वो किसको डिनोट करता है। कोई भी क्वांटिटेटिव मीनिंग को डिनोट नहीं करता, क्या ये राइट आंसर है, या फिर ओनली दी क्वालिटेटिव वैल्यू को डिनोट करता है, या फिर ऐसी वैल्यू जो असाइन की जाती है किसी कॉरस्पॉन्डिंग नंबर के, या फिर गो थ्रू द स्टैटिस्टिकल टास्क, या फिर ये स्टैटिस्टिकल टास्क के बारे में डिस्कस करता है। तो अपन आपको मैंने यहाँ पे क्लियर कट इसका एक्सप्लेनेशन भी लिख दिया है, आप खुद को देख पा रहे होंगे कि जो डेटा है, ठीक है, वो हमेशा या तो क्वांटिटेटिव होता है या क्वालिटेटिव होता है। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या हो गया, जिसके अंदर क्वांटिटी ज़्यादा है। क्वालिटेटिव का मतलब क्या हो गया, जिसके अंदर गुणवत्ता ज़्यादा है। तो जो क्वालिटेटिव डाटा है उसके अंदर नॉमिनल कैटेगराइजेशन किया जाता है, आपको ध्यान रखना है, वेदर क्वांटिटेटिव डाटा के अंदर इंटरवल और रेशियो देखा जाता है। तो यहाँ पर अपना जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा कि हाँ भाई, नॉमिनल जो मेजरमेंट है उसमें क्वालिटेटिव डेटा को क्या किया जाता है, कंसिडर्ड किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया कि इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स जो है वो किस पे बेस्ड करती है। अब इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स और मैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के बीच में कंपैरिजन करूं तो सबसे ज़्यादा अगर डेटा अपने पास में होगा तो अपन डिस्क्रिप्टिव लेंगे, ठीक है, जिसके अंदर अपन पढ़ते हैं कि हाँ भाई मीन है, मीडियन है, मोड है, सेंट्रल टेंडेंसी है, वो सब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर आती है। वेदर लेकिन जो इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स है ना डियर, वो लॉ ऑफ फिजिक्स को नहीं बताता। हाँ, डेफिनेटली लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी को जरूर बताता है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ द स्टडी ये करेगा नहीं, क्योंकि वो अपने आप में ब्लू प्रिंट हो जाता है, तो ये अपने आप में वैसे कट गया। प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग रिसर्च ये है नहीं इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, तो राइट आंसर अपना लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपके आर ए के एम एस सी के।